जिस जगह पे खड़े हैं, ये जगह 12 बाके बाजार प्रखंड क्षेत्र का है, और अभी थोड़ी देर पहले 12 बाके बाजार थाना प्रभारी सौरभ कुमार और गुरुवा थाना प्रभारी दिवाकर विश्वकर्मा ने ये जो क्रिकेट एकेडमी जो खोले हैं उसका जो उद्घाटन फीता काट के उद्घाटन किया। एक समय रहा था इस क्षेत्र में, हम बहुत पहले मतलब जब इस क्षेत्र में आया करते थे न्यूज़ बनाने के लिए, तो शाम के वक्त देखा करते थे जो सामने जो सड़क देख रहे हैं, ये सड़क पे शाम 6 बजे के बाद लोग आने जाने में डरा करते थे। और आज हालात ऐसा है कि बस इसी सड़क के बगल में किनारे ही बोला जाए तो अबूजर पठान भाई द्वारा जो है यहाँ पे क्रिकेट एकेडमी का एकेडमी खोला गया है, जहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र जो भी बच्चे हैं आकर के जो खेल के प्रति रुचि रखते हैं वो ट्रेंड हो सकेंगे, और ट्रेंड होने के बाद अच्छा कहीं जिला में जाएं, कोई स्टेट लेवल पे जाएं, कंट्री लेवल पे जाएं, और जाने के बाद जो है उनका अच्छा प्रदर्शन रहेगा। अब ये गया से चल करके आए हैं, उनसे क्या नाम हुआ सर आपका? सानी अली खान नाम हुआ मेरा। अच्छा, क्या है आप? हम लोग एक ट्रस्ट चलाते हैं 21st सेंचुरी एजुकेशन ऑफ बिहार, जिसके तहत आप लोग देख रहे होंगे कि शिक्षा का मतलब बना लिया गया है कि सिर्फ इंजीनियर या डॉक्टर ऐसा ही कुछ है, लेकिन यहाँ पे अबूजर पठान ने जो चालू किया इस तरह का एकेडमी ऑलरेडी शरघाटी में चल रहा है रियान शाही क्रिकेट क्लब, तो यहाँ पे इसमें भी देखना पड़ेगा अपने बच्चों को, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एजुकेशन में सिर्फ वही दे, अगर एजुकेशन में बच्चा सफल नहीं हो पा रहा, बच्चे का रुचि अगर खेल में है तो बच्चे को यहाँ पे नाम लिखा करके बच्चे को कैरियर शेप कर सकते हैं, ग्रूम कर सकते हैं, दिल्ली जाने की कोई ज़रूरत नहीं आज के सब आपके शहर में। चलिए बहुत अच्छा, अब इस जो रियान क्रिकेट एकेडमी है उनका जो संस्थापक है जो डायरेक्टर उनसे भी बात करेंगे। आप ये जो क्षेत्र है पहले तो आपका ब्रांच शायद या जो भी था एकेडमी सरघाटी में चला करता था, और अभी इस जगह को जो जगह जो है आज के कुछ साल पहले अति सेंसिटिव एरिया कहा जाता था, लोग दिन तो दिन रात तो रात दिन के उजाले में भी आने से एक समय में डरा करते थे, उस क्षेत्र में आपने खेल के प्रति लोगों को जागरूक करने का काम किया है, और ये क्षेत्र में जो एकेडमी खुला है क्या लग रहा है आपको कि कितने बच्चे यहाँ पे जो है सक्सेस हो पाएंगे? बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो आपको यहाँ आने के लिए, और जहाँ तक बात है नक्सल प्रभावित एरिया की तो वो था अब नहीं, अभी 21st सेंचुरी चल रही है, अभी यहाँ के इस इलाके से खासतौर से एजुकेशन और मतलब स्पोर्ट्स दोनों में, एजुकेशन स्पोर्ट्स दोनों में बच्चे निकल रहे हैं, लड़के आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ के बहुत पैसे डॉक्टर बन रहे हैं या फिर अच्छे प्लेयर हैं और डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल पर खेल रहे हैं, और एजुकेशन में भी बहुत बड़े बड़े जामिया यूनिवर्सिटी में अभी यहाँ बुलेरी का लड़का